दोस्तों, मैं आलोक श्रद्धा इन्फोटेक से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास एक सीपीयू है जिसका मदरबोर्ड पूरा डस्ट और गर्दा से भरा हुआ है। इस डस्ट और गर्दा ने दोस्तों पूरे मदरबोर्ड के कंपोनेंटों को, जो आईसीज की टांगे होती हैं उनको, सारी चीज़ों को डस्ट और गर्दा से कवर कर लिए हैं। जनरली हमारे कई घरों में हमने देखे हैं, जो हमारे पास कस्टमर पीसी लेकर आते हैं, तो ये इस टाइप की कंडीशन होना एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, बारिश आने के पहले पहले हमें इस कंडीशन को भी सॉल्व करना रहता है। अगर आप बारिश के सीज़न में इस टाइप का मदरबोर्ड को छोड़ेंगे, और अगर मान लीजिए जहाँ पे आपका पीसी यूज़ हो रहा है अगर वहाँ पे डस्ट गर्दा अगर कुछ भी है, तो वो पूरा डस्ट गर्दा आपके जो भी मॉइस्चर वगैरह बनाएगा उसके कारण वो पूरी डस्ट गर्दा गीली टाइप की होगी, और अपना जो भी हमारा मदरबोर्ड है या जो आईसीज है उनकी टांगों को शॉर्ट करेगा। ऐसे केसों में दोस्तों, जो हमारे मदरबोर्ड ख़राब होते हैं वो बोर्ड जनरली बन नहीं पाते हैं, उनको रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि ये डस्ट और गर्दा लगने के कारण जो हमारे कंपोनेंटों की बारीक कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे मदरबोर्ड के जो बारीक कंपोनेंट होते हैं, कई बार उनकी जो सोल्डरिंग है वो ख़राब हो जाती है, वो कंपोनेंट झर जाते हैं या वीक हो जाते हैं, उनका एक तरफी का कहो रांगा सॉलिड रहे, एक तरफी का रांगा लूज हो जाता है। तो ये बारीक कंपोनेंट होने के कारण, जैसे जो हमारे रेजिस्टेंस हो गए, डायोड हो गए, कैपेसिटर वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसके लिए या तो फिर आप बहुत बारीकी से माइक्रोस्कोप वगैरह की सहायता से रिपेयरिंग का काम करें। जनरली ये इस टाइप के अगर बोर्ड डेड होते हैं तो उनके रिकवरी का परसेंटेज या रिपेयर का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है। दोस्तों, कभी भी अगर बारिश का सीज़न आ रहा है तो आप थोड़ी सा ध्यान रख करके इस पूरे मदरबोर्ड को ब्लोवर की सहायता से, या मेरे हिसाब से हमें अपने कंप्यूटर की पूरी सर्विसिंग कर लेना चाहिए। तो चाहे दोस्तों आप एक ब्लोवर मार्केट से परचेस करके इस तरीके से, जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, आपको ब्लोवर को कंटिन्यू नहीं चलाना है, बस हल्का हल्का सा आप पुश करें, एयर मारेगा, फिर थोड़ी सा आप वेट कर लें उसके लिए, फिर एयर मारें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ब्लोवर को कंटिन्यू चलाते हैं तो वो ब्लोवर आपका ख़राब होने का डर रहता है। ब्लोवर को चलाने का सही तरीका आपका यही है कि आप थोड़ी सा ब्लोवर को चलाएं और थोड़ी सा उसको रोकें। तो इस प्रकार हमें अपने पूरे मदरबोर्ड को, कैबिनेट को, और साथ में जो इसमें SMPS लगा हुआ है, इसको भी ब्लोवर की सहायता से पूरा साफ करना है। दोस्तों, हमें ये चीज़ अच्छे से नोटिस करना है कि कहीं पे भी या किसी भी कंपोनेंटों में डस्ट गर्दा रह ना जाए। क्या रहता है, जब बारिश के सीज़न में हमारे ये कंपोनेंट डस्ट गर्दा के कारण बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, हमारे मदरबोर्ड की लाइफ भी घट जाती है। जो हमारा मदरबोर्ड चलना है कई सालों, अगर वो इस प्रकार से डस्ट गर्दा से कवर रहेगा तो दोस्तों वो चल नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं इसकी रैम है, रैम निकाल करके भी आप पूरा प्रॉपर तरीके से इसको साफ़ करें। दोस्तों, ब्लोवर चलाने पर ही पूरी डस्ट गर्दा साफ़ नहीं होती है, उसके लिए हमें थोड़ी सा ब्रश भी फेरना है, पूरा कंपोनेंट उसको क्लीन वगैरह करना है। अभी हम इसका प्रोसेसर फ़ैन निकाल करके प्रोसेसर को भी साफ़ करेंगे, जो अगर उसमें पेस्ट वगैरह नहीं है या पेस्ट ख़राब हो गया है तो हम उसकी रीपेस्टिंग भी करेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। तो इस प्रकार दोस्तों, हमें पूरा का पूरा बोर्ड वगैरह क्लीन करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप मदरबोर्ड को निकाल करके भी क्लीन कर सकते हैं, और नहीं तो आप कम से कम इतना काम तो ज़रूर करके रखें ताकि जो हमारे कंपोनेंट है या जो हमारा बोर्ड का डैमेज है वो ना हो। अब देखिएगा दोस्तों, मदरबोर्ड का फ़ैन निकालने का आसान तरीका है कि जो हमें प्रोसेसर की फ़ैन की टांगें जो दिख रही हैं, जिनको हम स्टैंड कहते हैं, वो एक साइड एरो इंडिकेट करता है, उस साइड आप घुमाते जाएं और इसको हल्का सा पकड़ के ऊपर साइड खींचें तो हमारे प्रोसेसर फ़ैन निकल जाएगा। प्रोसेसर फ़ैन के नीचे आप देख सकते हैं हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है। अब हम इस प्रोसेसर को भी निकाल करके साफ़ वगैरह करेंगे। क्या रहता है, डस्ट ऐसी चीज़ है जो हर जगह पहुंच सकती है,
तो कई बार ये हमारे प्रोसेसर के अंदर तक पहुंच जाती है, मतलब दोस्तों बोले तो जिस सॉकेट में प्रोसेसर लगा है उस सॉकेट के अंदर तक डस्ट पहुंच जाती है। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें भी कई जगह पर डस्ट टाइप की दिखाई दे रही है, इनको भी हम थोड़ी सा साफ़ करके वापस वहाँ पर लगाएंगे। तो इसको दोस्तों किसी भी गीले कपड़े वगैरह से आप प्रोसेसर को साफ़ ना करें, बस उसको हल्का सा अपने हाथ से डस्ट करते बस साफ़ कर लें, थोड़ी सा ब्लोवर आवश्यकता जहाँ पर है वहाँ पे मारें, है ना, और उसके बाद वापस हमारे प्रोसेसर को हम सेट कर देंगे। प्रोसेसर को लगाने का सीधा सा तरीका है जो मैं आपको गैप दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं प्रोसेसर में कट साइन बने हुए हैं दोनों साइड, और सेम यहाँ पे हमको जो हमारा सॉकेट है जिसमें प्रोसेसर लगता है वहाँ पे भी एक पॉइंट बना हुआ है दोनों साइड। इसको हम लीवर भी कह सकते हैं जिसमें जा कर के हमारा प्रोसेसर फंसता है, है ना, या लॉक बोल सकते हैं कि वो प्रोसेसर के लॉक पॉइंट हैं। बस हमको इस चीज़ को बस देखते हुए प्रोसेसर को यहाँ सेट करना है। दोस्तों जब भी आप प्रोसेसर को निकालते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें, कहीं प्रोसेसर के कारण जो पिने हैं या प्रोसेसर गलत लगने के कारण या प्रोसेसर को निकालते समय गलती से भी वो पिने डैमेज ना हो। अगर वो पिने डैमेज होती हैं तो फिर उसको भी रिपेयर करना या उन पिनों को सीधा करना भी थोड़ी सा क्रिटिकल होता है, और अगर पिन वो सीधी नहीं होगी, सही नहीं होगी, तो फिर वो भी प्रोसेसर हमारा काम नहीं करेगा और कुल मिलाकर के हमारा पूरा मदरबोर्ड डेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बोर्ड पहले कैसा दिखता रहा और अब हमारे साफ़ सफाई करने के बाद इसमें कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। अब इस बोर्ड में काफ़ी कुछ आपको पूरे कंपोनेंट वगैरह, पूरी आईसीज़ वगैरह, सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने पीसीओं को एक बार खोल के बारिश आने के पहले ज़रूर साफ़ करें, वरना हमें अगर मान लीजिए पीसी डेड होता है तो पछतावा होगा कि काश बारिश के पहले अगर हमने साफ़ कर लिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों ये हमारा थर्मल पेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया रहा, अगर प्रोसेसर में पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे पेस्टिंग भी करेंगे। तो ये हमारा थर्मल पेस्ट है, हम इसको प्रोसेसर पे अच्छे से लगा देते हैं। इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लगाना है, बस हमें एक हल्की सी लेयर टाइप की बस हमारे प्रोसेसर के ऊपर बनाना है। और ये जो काम मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये काम आपको हर मौसम में या हर सीजन के आने के पहले एक बार करना चाहिए, चाहे आप किसी शॉपकीपर से करवा लें या आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है, या अगर मेरे शॉप वाले दोस्त हैं जो शॉप ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको भी अपने कस्टमरों को ये सजेस्ट करना चाहिए ताकि उनके कंप्यूटर की सर्विस ज़्यादा रहे। अब हम इस फ़ैन को लगाएंगे। दोस्तों मैंने फ़ैन को प्रॉपर तरीके से लगाने के पहले भी कई वीडियोस बनाया हूँ, उसमें मैंने आपको हर मदरबोर्ड में फ़ैन लगाना सिखाया हूँ, लगा करके दिखाया हूँ, फिर भी इस बार भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चारों पॉइंट दिख रहे हैं आपको, एक दो आपका तीन और चार पॉइंट, हमें इन चारों स्टैंडों पे अपने फ़ैन के स्टैंडों को सेट करना है। थोड़ी फ़ैन भी हमारा गर्दे में है, हम थोड़ी सा इसको भी ब्रश मार करके साफ़ कर लें। हमें बस ये देखना दोस्तों कि हमारे चारों जो भी पॉइंट हैं इसके स्टैंड हैं फ़ैन के, वो प्रॉपर तरीके से इन होल्स में फिट हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे चारों पॉइंट वो सेट हो गए हैं स्टैंड, बस अब आपको इसको पुश करना है। हमारा स्टैंड सेट हो गया है, ये इसका कनेक्टर है, ये तीन पिन का कनेक्टर है। जनरली जो भी हमारे सीपीयू फ़ैन आते हैं वो चार पिन कनेक्टर के साथ आते हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराना फ़ैन है जो कि तीन पिन कनेक्टर पे है, इसको हम सीपीयू फ़ैन वाले सॉकेट में लगा देंगे।
अब ये दोस्तों हमारी रैम है, जो कि इस पीसी की रैम आपकी DDR2 रैम है। 1 GB की 2 रैम है। हम इसको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हमारा पूरा पीसी रेडी हो चुका है। अब हम एक बार इसमें पूरा कनेक्शन करके इसको चेक करते हैं। यह हमारा VGA का कनेक्शन है। यह हमारे पूरा कनेक्शन हो चुके हैं। यह हमारा VGA का है, यह हमारा कीबोर्ड का है, यह माउस का कनेक्शन है, यह हमारा पावर केबल है। अपनी LED को ऑन कर लेते हैं और हम CPU को ऑन करते हैं। यह हमारा डिस्प्ले बन चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले इसकी क्या कंडीशन थी और अब हमारे इस पूरे मदरबोर्ड की क्या कंडीशन है। अगर आप ये सर्विसिंग का काम समय समय पर करवाते रहते हैं दोस्तों, तो आपका पीसी बहुत लंबी सर्विस देगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये तो एक डुअल कोर पीसी है, लेकिन आपका i3 i5 के पीसीज आजकल सबको यूज़ करते हैं। पीसी कोई सा भी हो, लेकिन प्रोसेस और वर्किंग तो आपकी सेम ही रहेगी। तो आप सर्विसिंग वगैरह टाइम पे करते रहें। सर्विसिंग टाइम पे होते रहने से अपने पीसी की कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और पीसी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर मिलती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।